दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान को लेकर एक खबर काफी वायरल है कि भाई दबंग खान की आने वाली अगली फिल्म का नाम होगा क्या। हम दबंग खान को अब सिनेमा घरों में किस अवतार में देख सकते हैं, दबंग खान की आने वाली अगली फिल्म को कौन सा डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा और किस फिल्म को पहले दबंग खान कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई ये सवाल दबंग खान को लेकर क्यों उठ रहे हैं, तो भैया इसका कारण ये है कि भैया टाइगर के पार्ट थर्ड के रिलीज होने के बाद से दबंग खान ने अपनी आने वाली किसी फिल्म की घोषणा अपने चाहने वालों के लिए नहीं की है। यानी कि भैया 2024 को लेकर ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि भाई 2024 में सलमान खान की कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। यानी कि भैया इस साल अगर सलमान खान की कोई फिल्म आएगी तो भैया वो फिल्म मुसाफिर होगी, जो कि भाई सनी देओल की आने वाली अगली मच अवेटेड फिल्म है जिसमें सलमान खान का जबरदस्त गेस्ट अपीयरेंस हम सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा सलमान खान की इस साल कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। तो भाई 2025 में आप सलमान खान को किस किरदार में देख सकते हो, तो इसको लेकर कई सारी खबरें लगातार हम लोगों के सामने आई थी और भाई कल से तो एक खबर ने काफी तुल पकड़ लिया है जिसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया हो सकता है कि अगला ईद जो है वो चुलबुल पांडे के नाम होने वाला है मेरे भाई। तो क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जैसे ही टाइगर का पार्ट थर्ड कंप्लीट हुआ था सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, कि भैया उसके बाद से ही सलमान खान को लेकर एक खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हुई थी कि भाई सलमान खान की आने वाली अगली फिल्म को करण जौहर अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बनवाएंगे जिसे डायरेक्ट करेंगे। शेरशाह जैसी बेहतरीन फिल्म सिनेमाघरों में दे चुके डायरेक्टर यानी कि विष्णुवर्धन, और भाई इस फिल्म का नाम होगा द बुल। तो भाई द बुल को लेकर काफी खबरें हम सभी के सामने लगातार आती रही, लेकिन इस फिल्म को लेकर अभी कोई ऑफिशियली जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आई। देन उसके बाद भैया सलमान खान को लेकर एक और खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया बहुत जल्दी ही डेविल के अवतार में नजर आएंगे बॉलीवुड के दबंग खान, यानी कि भाई साजिद नाडियाडवाला जो है वो अपनी इस फिल्म को बहुत जल्दी ही फ्लोर पर ले जाएंगे और उन्होंने भैया इसको लेकर संकेत भी देने शुरू कर दिए थे। उसके बाद फिर हम लोगों के सामने ये खबर आई कि भैया कबीर खान जो है वो सलमान खान के साथ फिर से एक बार कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। उन्होंने चंदू चैंपियन का काम कंप्लीट कर लिया और बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में लेकर आएंगे बब्बर शेर, जिसमें भैया आप दबंग खान को एक बब्बर शेर के किरदार में देख सकते हो। देन उसके बाद भैया सलमान खान को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आई कि भाई वो सूरज बड़जात्या की आने वाली अगली फिल्म प्रेम की शादी का भी काम बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे। फिर उसके बाद एक और खबर हम लोगों के सामने आ गई निकलकर कि भाई दबंग खान जो है ना वो इन सभी फिल्मों को दरकिनार करते हुए अब इटली कुमार के साथ अपनी अगली फिल्म का काम शुरू करेंगे। यानी कि भाई इटली कुमार को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई जवान जैसी बेहतरीन फिल्म सिनेमा घरों में देने के बाद अब इटली कुमार की निगाहें जो है वो टिक गई है सलमान खान के ऊपर और वो सलमान खान से लगातार 2 से 3 मीटिंग्स भी कर चुके हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी ही सलमान खान के साथ किसी फिल्म का काम शुरू करेंगे। और भाई जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल होने लगी कि भाई चुलबुल पांडे निकलकर बाहर आ गए, यानी कि भैया खबरें ये बताई जाने लगी है सलमान खान और इटली कुमार को लेकर कि भाई सलमान खान और अरबाज खान ये चाहते हैं कि दबंग खान की सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी यानी कि भैया दबंग के अगले पार्ट को इटली कुमार डायरेक्ट करे और इसकी कहानी को खुद इटली कुमार ही लिखे। और भाई इसी बात को लेकर कल से एक अलग ही माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भाई सलमान खान और इटली कुमार जो है वो दबंग के पार्ट 4 की तैयारियों में जुट चुके हैं और ये फिल्म बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जा सकती है। यानी कि जैसे ही इटली कुमार इस फिल्म का काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि भैया राइटिंग का काम कंप्लीट कर लेंगे कि यह फिल्म चली जाएगी फ्लोर पर, यानी कि आइडिया सुना दिया गया है दबंग खान को और दबंग खान को भी ये आइडिया काफी पसंद आ गया और ये फिल्म बहुत जल्दी ही क्रियान्वयन में आ सकती है, यानी कि भैया लय में आ सकती है। तो दोस्तों, वाकई में सलमान खान को लेकर ये जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही है इसको देखने के बाद हम आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे, भैया आप किस फिल्म को पहले सिनेमाघरों में देखना चाहेंगे? क्या आप पहले द बुल को देखना चाहेंगे या फिर आप डेविल को देखना चाहेंगे या फिर आप
बब्बर शेर को देखना चाहेंगे, या फिर आप प्रेम की शादी को देखना चाहेंगे, या फिर आप चुलबुल पांडे दबंग खान की दबंग फिल्म को देखना चाहेंगे, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।